ये बर्थडे का है, अभी भी बज रहा है, इसका अलार्म है ये। देखो देख, खोल के देखते क्या कहाँ से बज रहा है। लेकिन शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ से बस में तो बैठे, जब मैं ऑटो में आई तो मैं सोची कहीं गुमराह तो नहीं करेंगे, क्योंकि तो है जब भी मैं हरियाणा से बस में बैठी हुई हूँ एंड यहाँ से जाऊँगी मैं इको चौक तक, और ये है हरियाणा की प्राइवेट वाली बस आती है। बाप रे, लायू का बैग कितना बड़ा हो रखा है। बाय लायू। बाय लायरा। देखो अभी जाना हाँ। हाँ। बाय बाय। अब नानी हो गई है तैयार, नहा धो के अब हम भी होंगे। तो गाइज यहाँ पे ये मैं हूँ और ये निर्मला दीदी है और हमारी पार्टी हो रही है। तो मैं फिर से तैयार होने लग गई हूँ, क्योंकि कल मैंने रील नहीं बना पाई थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी फिर से हो रही है हरियाणा से। अभी सुबह के बज रखे हैं 9 एंड अभी का मौसम दिखा दे यहाँ का, तो बहुत सुहाना मौसम है। बस रूम के पास में है पार्क, तो वीडियो शूट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं पार्क में। तो मैंने फिर से वही कल वाली ड्रेस पहन ली, क्योंकि मुझे एक दो रील शूट करनी थी। नए ड्रेस पहनो, रील शूट ना करो, ये तो हो नहीं सकता है। और यहाँ पर पार्क भी सही है, तो यासी आज घर में ही है। ये है हमारा रूम यहाँ वाला, और यहीं पर है पेट्रोल पंप। अभी का यहाँ का व्यू दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ का व्यू तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यारा है। ऐसा लगता है हम शहरों में नहीं बस पहाड़ों में हैं, क्योंकि यहीं अपना इनका वो है। और ये देखो पपीते ऐसे लटके पड़े हैं पपीते, और ये है इनके बैगन। मामू लोगों ने यहीं पर मतलब ये नहीं होने दिया है कि हम पहाड़ से यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ खेती वगैरह ना करें। ये सब्जियाँ अपने मतलब खाने पीने के लिए इनकी सब्जियाँ हो जाती है यहीं पर। और ये पूरे पपीते हो रखे हैं और जारिम वगैरह भी है, और ये देख सकते हो पूरे इनके बैगन और फ्लावर। और ये है पार्क का एरिया, और यासी भी आ गई है हमारे साथ। आज यासी स्कूल नहीं गई, क्योंकि इसको मेरे साथ रहना था। पल्स, थैंक यू, यासी ने मेरे को पल्स टॉपी दे दी है। वेलकम, मैं भी दो लाई और नानी को भी दी। तो चलो फिर अब हम यहाँ पर करते हैं रील की शूटिंग, जो इंस्टाग्राम में दिख जाएंगी। हम कोशिश करेंगे रील की शूटिंग करने की आपको। तो गाइस अब दीदी गाना सेलेक्ट करके थोड़ा बहुत एक्टिंग कर रही है। तो गाइस अभी मैं घर ही हूँ, पल्स और दो रील बन गई है, अब देखना होंगे। और दीदी अभी यहाँ पे दूसरे गाने की तैयारी कर रही है। दो तीन हमारी रील वगैरह होगी। ये लोग, ये बर्थडे का है, अभी भी बज रहा है, इसका अलार्म है ये। देखो देख, खोल के देखते क्या कहाँ से बज रहा है। इसके अंदर है ये तार हार है तो सही। हाँ हाँ हाँ, इधर से है, ऊपर से खुलेगा कि तो हम लोग इस खोल के देखते हैं ना क्या बज रहा है। ये वो गिर गया, वही बज रहा है, वही बज रहा है। ये बज रहा है। टेप रिकॉर्डर कितने वाह स्प्रिंग गाइस, ये बजता है अब दिखने में उतना बड़ा है हम, जो क्या बज रहा है, क्या बज रहा है, बस यही। खुदा पहाड़ निकला तू यार, खुदा पहाड़ उतना बड़ा निकला था। अब आवाज कम होने लग गई है इसकी। हां मैंने गाइस अभी मेरी हरियाणा से जाने की तैयारी हो रही है। इसको देखो, ये खाना खा रही है एंड मैंने तो नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब मेरी यहाँ से जाने की तैयारी हो रही है। सो गाइज मैं यहाँ से निकल गई हूँ। सो गाइज अभी मैं यहाँ से निकलने लग गई हूँ, मामी तो अभी स्कूल गई है एंड यहाँ पर है मामू जहाँ पेट्रोल पम्प है।
बिलासपुर पहुंच गए हैं। मामू यहाँ पर स्कूटी पार्क कर रहे हैं। हमें ये वाला हाईवे क्रॉस करना है, ये बहुत बड़ा हाईवे है दिल्ली जयपुर वाला। उसके बाद मैं बैठूंगी बस पे, अच्छी तरह आएंगे। मेरे को रोड क्रॉस अकेले बहुत डर लगता है। मेट्रो स्टेशन एंड अभी तक मैं उसमें आई ऑटो में आई वहाँ से, तो मुझे यहाँ का पता नहीं है, तो मैप के द्वारा एंड पूछ पाछ के जाना पड़ रहा है। तो जब भी मैं दिल्ली आ रही हूँ तो मेरा एक ना एक सफ़र नया बनता जा रहा है। एंड यहाँ पर है सामने में मेट्रो स्टेशन एंड अब यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वहाँ से बस में तो बैठे, जब मैं ऑटो में आई तो मैं सोच रही हूँ कहीं गुमराह तो नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूज़ वगैरह सुनते थे उससे थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन फिर मैं मैप ऑन कर ली, अब तक पहुँच गए थे। एंड ये है मेट्रो स्टेशन एक कुछ चौक, देख सकते हैं आखिरकार हम पहुँच गए हैं इको चौक। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया हो जाती है। अब मेरे को थोड़ी राहत मिली कि मैं अब थोड़ा मतलब जान पहचान वाले एरिया में पहुँच गई हूँ। धूप तो इतनी तेज करने लगी नहीं, पहुँची हूँ यहाँ से मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि मुझे उस साइड से आना पड़ेगा और अब इधर से जाके उधर। जब भी मुझे टिकट के लिए इतना नीचे दौड़ा भागी करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास ना तो खुले हैं और ना ही वहाँ पर QR कोड मतलब ऑनलाइन पे हो रहा है, इसलिए वापस से मैं नीचे आ गई हूँ। स्टेशन से हम नीचे आ गए भूतल में, यहाँ पर भी लाइन लगी है एक टिकट लेने के लिए। मुझे इतनी लंबी लाइन में खड़ी होनी पड़ा, वो भी खुले ना होने के कारण, एंड या वहाँ पर ऑनलाइन चल जाता, या कुछ अलग ही है। नीचे मैं गेट नंबर 2 पे आना था टिकट लेने के लिए, तो वापस से रात थोड़ा और कम हो गया। मैं कहीं उलटी भटकी जाऊँगी तो। लेकिन शुरुआत में ना थोड़ा बहुत तो डर लगता है। अब यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन में, तो अब यहाँ पर करेंगे मेट्रो का वेट। मेरे पीछे पीछे मेट्रो आ रही है। लेकिन फिर मुझे जाना था अपने जिसके लिए आई थी मैं, और फिर वहाँ जाके आपको फिर वो तो नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ सीधे मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 4 में। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं कुछ सीख रही हूँ। अभी इसी मेट्रो स्टेशन में आ रहे हैं हम, बस सीढ़ियाँ उतारते हुए।
पता नहीं दोस्तों, पहली बार ऐसा हो रखा पूरा मेट्रो स्टेशन एकदम खाली खाली सा देख सकते हो बिल्कुल, नहीं तो यहाँ पर जगह नहीं होती थी, और अभी बिल्कुल खाली हो रहा है शायद। सुलगने लगी है दोपहर की कड़ाके वाली धूप, देख सकते हो इतनी तेज गर्मियों में ये पेड़ इनका सहारा बनता है जो मजदूर वगैरह होते हैं।